हेलो नमस्कार प्रणवर्चर में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। डीएड वालों को भर्ती ना करके बीएड वालों को भर्ती किया, ठीक है। 19,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में विवाद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जबकि पहले डीएड वालों की भर्ती होनी थी, लेकिन डीएड वालों की भर्ती ना करके बीएड वालों की भर्ती की वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षकों। विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के पद पर डीएड को दरकिनार कर बीएड वालों को दी नियुक्ति। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका, सुनवाई अगले हफ्ते होगी। इसमें बोला गया, हाल ही में 19,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विवाद शुरू हो गया। अभ्यर्थियों ने गलत नियुक्ति पत्र वितरण करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर लोक शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसकी अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों के 19,000 से अधिक पदों पर 28 मार्च को नियुक्ति की गई थी। प्राथमिक शिक्षकों के पद की सामान्य योग्यता 12वीं पास तथा DLD निर्धारित है, लेकिन लोक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों के पद पर स्नातक और बीएड को मान्यता दी गई, मान्य किया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में सुप्रीम कोर्ट एवं संबंधित हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड डिप्लोमा नियुक्त नहीं किया गया है। जबलपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 7 जुलाई 2022 तथा 25 जनवरी 2023 को अंतरिम आदेश पारित कर प्राथमिक शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया को उपयुक्त याचिकाओं के निर्णय के अधीन की थी, लेकिन लोक शिक्षा विभाग द्वारा ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा इसे नज़रअंदाज कर 28 मार्च 2023 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट बोला गया है कि वर्ग 3 में डीएड वालों को ही लिया जाएगा, क्योंकि बहुत से राज्य, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों में डीएड और 12वीं पास ही लिए जाएंगे। लेकिन इसमें दरकिनार कर दिया गया हाई कोर्ट की याचिका को, सुप्रीम कोर्ट की याचिका को। मध्य प्रदेश में इसमें स्नातक और बीएड वालों को लिया गया है प्राथमिक शिक्षक में, जो कि सरासर गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें याचिका लगाई गई है, सुनवाई होना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।